महीने का 3,000 रुपया हो गया जी। 3,000? ना तो ये हराम की कमाई पचेगी और भगवान को क्या ही जवाब देंगे। और वैसे भी खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है तो कुछ तो इंसानियत और ज़मीर रखो। भैया ये नारियल पानी और मलाई दोनों हैं? दोनों जी। अच्छा, आप कौन सा लेना है? भैया मुझे पानी वाला चाहिए लेकिन महीने भर के लिए चाहिए। पहुँचा दोगे और घर पे पहुँचा दोगे? कौन सी जगह है घर आपका? भैया यही मेन रोड के पास आगे सिग्मा है ना। कौन सी जगह? अरे ये सामने जो मेन रोड है ना, उसमें अंदर जाके सिग्मा नहीं है वहाँ पे, तो डेली सुबह 9 बजे पहुँचाना है क्योंकि वो पापा भी कोरोना से रिकवर होके आए हैं तो डॉक्टर ने उनको कंपलसरी बोला है। तो लेकिन टाइम से सुबह 9 बजे पहुँचा दोगे ना आराम से? चलो ठीक है, तो एक काम करो, अभी एक नारियल अभी आप मुझे वैसे ही दे दो और बाकी फिर कल से आप आ जाना। ठीक है ठीक है। कितना हुआ इसका और महीने का कितना होगा? महीने का 3,000 रुपया हो गया जी। 3,000? 3,000 कैसे भैया? 100 रुपये नारियल के हिसाब से। 100 रुपये नारियल के? ये तो 40 का था। मैडम पहले जमाने में जी रहे हो, अब जमाना देखो कौन सा चल रहा है। अरे भैया कोरोना का टाइम है तो ये थोड़ी है कि चीज़, चलो 40 से 60 समझ आता है, सीधा 100 पहुँच गई। मैडम महीने मिल रहा पीछे से, आप तो अच्छे खासे घर से हो, सब ले जा रहे हैं यही रेट में। अरे भैया फिर एक काम करो, आप मुझे फिर सिर्फ 2 नारियल ही दे दो और वो महीने का 3,000 तो मैं नहीं ले पाऊंगी, आप मुझे 2 नारियल दे दो। मैडम जमाना देखो कौन सा चल रहा है, कौन से जमाने में जी रहे हो आप, सबको दे रहा हूँ यही रेट, आपको थोड़ी दे रहा हूँ मैं। भैया बट मैं 3,000 में नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, मैं, मेरे पास नहीं हो पाएगा। मैं कैसे महंगा हो रहा है, हम तो वैसे भी क्या करें, हम मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से मान मिला। मैडम क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो अच्छे खासे घर से हो, आप ऐसे करोगे तो हम गरीबों को क्या होगा। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे मोल भाव करना, पर कोरोना में हमारी पूरी फैमिली बहुत बुरी तरीके से बीमार हुई थी और हॉस्पिटल का खर्चा, 5 लोग तो वेंटिलेटर पे थे तो हॉस्पिटल का खर्चा, इतना सब करने में बहुत बुरी हालत हो गई है, तो इसलिए अब छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत देखना पड़ता है, वरना मैं भी कभी ऐसे मोल भाव कभी नहीं करती। भैया भैया फिर एक काम करो, आप इन्हीं 2 का काट लो, कितना हुआ ये लीजिए, इन 2 का पैसे रख लो। थैंक यू भैया। जी भैया आप तो डेली को कह रहे थे कि डेली जाएंगे हमारे, डेली ले भैया, वो डॉक्टर ने बोला भी है और पापा के लिए बहुत मैंडेटरी है पिलाना, लेकिन फिर मैंने आपको बताया ना कि 3,000 मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी। 40 का लगा देंगे जी, और बताइए 40 का महीने भर में, तो भैया 1200, 3,000 से 1200 आपको तो बहुत लॉस नहीं हो जाएगा? इस लॉस तो कोई वो नहीं मैडम, ऐसा फायदा, इसका फायदा क्या देखा, इस मुनाफा क्या देखना है, कोरोना के वजह से हर किसी को लॉस हो रहा है जी, मेरे भी बच्चे तो खुद शिकार हो गए इस कोरोना के। वो अब नहीं रहे? नहीं जी, सॉरी भैया, मेरे मतलब इस काले धन ले जाके मैं क्या करूँगा जी, मेरी बच्चे मेरे नहीं, वो शिकार हो चुके हैं कोरोना के, और मेरे वजह से किसी का भला हो जा तो बढ़िया है, ये कोरोना का हर किसी का शिकार हो रहा है जी। अरे भैया थैंक यू सो मच, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप, मतलब कितना बड़ा दिल है आपका, आज ऐसा टाइम चल रहा है कि लोग 10 की चीज़ को भी ना 1,000 में बेच रहे हैं और एक आप हैं जो अपना इतना लॉस सहते हुए 3,000 की चीज़ 1200 में दे रहे हैं, और भैया थैंक यू सो मच, और मतलब आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है भैया, थैंक यू सो मच। तो कल से आप आ जाओगे ना, मैं लेके जा रही हूँ। अरे भैया जी, आपसे एक बात करनी थी अगर नाराज ना हो तो। अच्छा भैया एक्चुअली मैं ना एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम में कितने बुरे हालात चल रहे हैं, और ऐसे में लोग मदद करने की बजाय इसका फ़ायदा उठाते हुए हर चीज़ में काला धन कमा रहे हैं और 10 की चीज़ 100 में बेच रहे हैं। तो कल ही मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक बहुत अच्छे अमीर घर का बंदा था और वो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बेच रहा था, डबल
तो वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो बस मैं ये भी देखना चाहती थी कि अमीरों की तरह गरीबों का दिल भी ऐसा ही हो चुका है। बट आपने तो मुझे बिल्कुल गलत प्रूफ कर दिया और आपने दिखा दिया कि गरीबों का दिल बहुत ही बड़ा होता है। तो माफ़ी चाहती हूँ, ये कुछ रियल नहीं था और बस हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ऐसा रियल में कुछ नहीं है। बाकी हाँ, नारियल पानी तो मैं आपसे डेली के ले ही लूँगी आपसे, ठीक है। और भैया आपका ये देखते हुए मतलब मैं इतनी खुश हूँ। अगर आप चाहो तो जैसे आप बता रहे थे कि आप भी काफ़ी मुसीबत में हैं और आपकी फैमिली ने भी आपके बीवी बच्चे कोई नहीं बचे हैं, तो उसका उस लॉस की भरपाई तो मैं नहीं कर सकती। बट अगर आप चाहो तो मैं कुछ पैसे अगर आपके काम आ जाएं तो। हाँ तो भैया जैसे थोड़ी सी मदद मैं करना चाहती हूँ, जैसे मुझे मुसीबत में देखने आपने तुरंत मदद की, तो ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी सी मदद मैं भी आपकी करना चाहती हूँ, अगर आप ले लें तो। अब मैं करूँगा इन पैसों को, मेरे भी बच्चे तो खुद ही शिकार हो चुके हैं जी। अगर मैं चाहता हूँ मैं ईमानदारी कमाई कामयाब, मेरे है ही नहीं आगे पीछे कोई, तो मैं कैसे ले जाके दूँगा। अरे भैया वाकई मैं तो दिल खुश हो गया, एक तो आप इतना बड़ा दिल और ऊपर से इतने ईमानदार, मतलब बहुत ही कम इंसान मिलते हैं ऐसे देखने को। अच्छा चलो एक काम करो, वैसे तो आप नहीं लेंगे, आप बहुत ईमानदार हैं, तो अगर मैं महीने के मैं कर लूं, क्योंकि मैं भी अभी कोरोना से ही रिकवर हुई हूं मेरी पूरी फैमिली, तो अगर मैं महीने के रख लेती हूं तो वो तो आपकी कमाई के पैसे होंगे, तब तो रख लेंगे ना। ठीक है तो ये लीजिए, ये महीने के 3,000 थे ना, तो आप 3,000 के रेट से रखिए, ये लीजिए 3,000 के रेट से, और ये महीने के आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक है भैया। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और इनफैक्ट आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्टेड, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, और इन्होंने बिल्कुल जो मैंने सोचा था उसके उल्टे हुआ, और इन्होंने वाकई ये कहावत साबित कर दी कि वाकई गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है। और बहुत ही पते की नेक बात इन्होंने कही कि इस समय का कमाया हुआ काला धन या इस समय की हराम की कमाई लेके हम कहाँ ही जाएंगे, ना तो ये हराम की कमाई पचेगी और भगवान को क्या ही जवाब देंगे, और वैसे भी खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, तो कुछ तो इंसानियत और ज़मीर रखो। तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे, ये वैसे ही मुसीबत का महामारी का इतना बुरा वक्त चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे जितना हो सके लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए, ना कि उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के उसकी कालाबाजारी या काला धन किया जाए, जो कि आजकल हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है और उसको काले ब्लैक में बेचा जा रहा है डबल द प्राइस में। यही मैसेज मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि ऐसे मुसीबत के टाइम में किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, उनका साथ दें, उनका सहारा बने, और ऐसे ही एक दूसरे का साथ रहेगा और सहारा बना रहेगा तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकेंगे और किसी भी महामारी का समाधान आराम से निकल जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे और हम कोरोना फ्री देश रहेगा हमारा। और ये इस वीडियो का मैसेज अगर आप तक पहुँचता है और आपके दिल को टच करता है, और अगर इससे आप एक भी इंसान को कुछ भी सीख मिलती है, तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।